नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 73वीं क्लास है। हमारा मैथ का टॉपिक है मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति की हमने छह क्लासेस पढ़ ली है, आज मेंसुरेशन की 7वीं क्लास है। आज का टॉपिक है वर्थ से संबंधित। वर्थ, देखो, वर्थ ये वर्थ का सेंटर होता है, सर्कल। यहां सेंटर से हम वर्थ के किसी भी छोर की ओर जाएंगे, ये एक वर्थ की रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। और सबसे बड़ी जो जीवा की लंबाई होती है वो व्यास होता है। केंद्र से जब दोनों सिरों को छुपी हुई रेखा खींचते हैं उसे हम व्यास कहते हैं। केंद्र से गुजरने वाली सभी रेखाएं व्यास होती है, ठीक है। और त्रिज्या जो होती है, जिस मान लो व्यास ए एक वर्ग का व्यास है, तो इसकी जो रेडियस होगी, जो त्रिज्या होगी, वो व्यास की आधी होती है। रेडियस त्रिज्या व्यास की आधी होती है। एक वर्त का एरिया क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एक वर्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। एक वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। सुनो, एक वर्त है, एक वर्त ये सेंटर होता है वर्त का, सारी रेडियस बराबर होती है। और एक होता है त्रिज्याखंड, एक वर्त का होता है त्रिज्याखंड, ठीक है। त्रिज्याखंड क्या होता है? ओ पी एम एन, तो त्रिज्याखंड होता है कि दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, वह हमेशा त्रिज्याखंड होता है। त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखो, इस वर्त में जो ये जो भाग है ये तो लघु वर्त में होता है, माइनर सेक्टर होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये जो भाग होता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ लार्ज सर्कल, दीर्घ वर्तखंड होता है, ये लघु वर्तखंड होता है, ठीक है। उसके बाद ये मान लो मैं यहां भाग देता हूं, आर कर देता हूं, ओ पी आर एम, ओ पी आर एम एक क्या है ये, ओ पी आर एम, जैसे मान लो इसमें हम निकालते हैं लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे समझाता हूं तुम्हें कि जो लघु वर्तखंड होता है, लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्र, यह तो होता है लघु वर्तखंड। और मैं कहूंगी दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्र क्या होता है, यह होता है पूरे वर्त का क्षेत्रफल
और माइनस लघु वर्ग करना चाहिए। इसमें ये जो पीएम है ये एक चाप है, पीएम यानी कि चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटे 180। पहले ये सूत्र लिखो फिर मैं समझाता हूं इसमें चाप क्या होता है, दीर्घवर्तन क्या होता है, लघुवर्तन। इसको समझना ढंग से, सबसे पहले इसको पहले ढंग से समझो। ये एक वर्त है, ठीक है, ये वर्त है। और अब देखो इसको, ये पूरा दीर्घवृत्तखंड है जो ऊपर वाला सारा, ये नीचे वाला है जैसे मैं इसको लिखता हूं ओ पी क्यू आर, ठीक है। तो ये जो लघु वृत्तखंड होता है, ठीक है, पहले तो त्रिज्याखंड देखो, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्याखंड कौन सा होता है? त्रिज्याखंड ये पूरा होता है ओ पी क्यू और आर, ये पूरा एक त्रिज्याखंड है, दो रेडियस और एक चाप, इनसे घिरा हुआ भाग त्रिज्याखंड, ठीक है। उसके बाद इसमें त्रिभुज कौन सी है? त्रिभुज है ओ पी आर, ये त्रिभुज। जब इस पूरे में से त्रिज्याखंड में से जब केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे तो ये लघुवृत्त बन जाएगा, ये लघुवृत्त, ये लघुवृत्त बन जाएगा, एरिया ऑफ माइनस है लघुवृत्त बन जाएगा। या अब ये दीर्घवृत्त कैसे आएगा? पूरे वृत्त में से जब लघुवृत्त का घटाओगे, ये घटा दोगे, ये घटा दोगे, ठीक है, ये घटा दोगे तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब सुनो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने बता दिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कोई भी थीटा दिया गया हो तो यही सूत्र लगाना है। साइन थीटा यानी 20 डिग्री है तो साइन 20 का मान देखेंगे, 60 है तो 60 का मान देखेंगे। जैसे मान लो साइन साइन थीटा का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ 0 डिग्री का, यहाँ 20 डिग्री का, यहाँ 45 डिग्री का, यहाँ 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कैसे निकालते हैं? 0 से लेकर और 4 तक हमें 4 का मान देना है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसे मिला इससे साइन के सारे मान आ जाएंगे। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2 होता है, 2 + 2 = 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का रूट नहीं निकलता, रूट 2 लिखते हैं, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का निकलेगा 2 और 1 का वर्गमूल निकलेगा 1। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ साइन जो थीटा है क्वेश्चन में थीटा आएगा उसका मान लेना है, 30 आएगा तो साइन थीटा की जगह हमें 1/2 लेना है। समझना कि ये जो पी आर है, ये पी आर है, यह है एक चाप है और चाप की लंबाई जो होती है, चाप की लंबाई इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ ए आर सी होते हैं, ए आर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी होती है पाई आर थीटा बटे 180। सुनो, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, त्रिज्याखंड होता है 2 त्रिज्याओं और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, 2 त्रिज्याएं
और इस चाप से गिरा हुआ क्षेत्र पूरा त्रिज्याखंड है। त्रिभुज हो गई OPR, पूरे त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का घटाओगे तो ये लघुवृत्त खंड आएगा। लघुवृत्त खंड होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। बच गया दीर्घवृत्त खंड, दीर्घवृत्त खंड निकालेंगे टोटल वर्क के क्षेत्रफल में से, ठीक है। टोटल वर्क के क्षेत्रफल में से ये लघुवृत्त खंड घटाएंगे तो ये दीर्घवृत्त खंड, ठीक है। तो आपकी लंबाई लेंथ हो गई आरसी पाई आर थीटा बटे 180, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लघुवृत्त खंड का जब इसका लघुवृत्त खंड का निकालेंगे तो लघुवृत्त खंड का निकालेंगे तो त्रिज्याखंड वहां से त्रिभुज का घटाएंगे, त्रिज्याखंड का ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, एक सूत्र लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन, या फिर त्रिभुज समद्विबाहु भाव है तो उस हिसाब से लगाएंगे, समकोण है तो उस हिसाब से लगाएंगे, ऐसे बना सकते। साइन थीटा का जो 0 से 90 डिग्री तक मैंने मान बताया, दीर्घवृत्त खंड होता है सेक्टर ऑफ लार्ज सर्कल। अब सुनो, अब एक बात क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी है, इसकी मिनट की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। एक घड़ी है, इस घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, आठ पैंतीस तक बढ़ाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस तरह की जो सवाल है, बढ़ाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब सुनो, सबसे पहले तो हमें क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, आर जो मिनट की सुई होती है वो सेंटर से होके पूरी यहां से स्पर्श करती है, तो मिनट की सुई रेडियस हो गई, इसकी घड़ी की रेडियस हो गई। घड़ी एक वर्ग के आकार की है, छोटी सुई घंटे की होती है और बड़ी सुई मिनट की होती है, तो मिनट की सुई रेडियस हो गई। पाई का मान है हमारे पास 22/7, थीटा जो है थीटा कैसे निकालेंगे, 8 से 8:35 का मतलब है कि मिनट की सुई हमेशा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो टोटल मिनट कितनी है 35, 35 मिनट में यह बनाएगी 35 × 6 = 210 डिग्री का बनाएगी, ठीक है। तो यहां थीटा का मान 210 आ गया, तुम्हें क्या करना है, जितनी मिनट है उसको 6 से गुणा करना है, क्योंकि मिनट की सुई हर मिनट में, ये मिनट की सुई हर मिनट में 6 डिग्री का, क्योंकि पूरे दिन में 12 घंटे में ये 360 डिग्री का बनाती है, ठीक है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी। अब पाई की जगह 22/7 लिखो, या पाई को पाई भी रह सकते, आर की जगह 6 × 6, थीटा तुमने निकाल दिया 210 डिग्री अपॉन 360, ठीक है। 210 कैसे आया, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 35 मिनट में 210 डिग्री। ये पाई को पाई भी रख सकते हो, ऑप्शन में देखेंगे भाई पाई भी हो सकता है, 22/7 भी हो सकता है, 6 × 36, ठीक है। तो इसका 21 पाई, क्योंकि 6 × 36 = 36 कट गया, 0 से 0 कट गया, 21 बच गया, 21 पाई। पाई का मान यदि लेना पड़े तो सबसे पहले आर्य भट्ट ने पाई का मान निकाला था, शायद इसका समय है 499 AD, ये गुप्त काल में था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में था, विक्रमादित्य के समय में था, गणितज्ञ था, इसने पाई का मान निकाला था 22/7, इसको हम 3.14 ले सकते, ठीक है। यहाँ 21 पाई की जगह 3.14 लोगे तो 3.1 ले लो सर, और इनको 21 से बढ़ा, 22/7 लेते हैं 21 पाई को, तो 21 पाई की जगह 22/7, तो 7 × 21 22 × 6 = 60, तो घड़ी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सोल्व, मिनट को थीटा में कन्वर्ट करना है, इस सूत्र याद रखना है,
ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं इसको, त्रिज्या खंड का सेक्टर। का पहिया एक साइकिल का पहिया है, यह है 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। 5000 चक्कर लगाता है, ठीक है, 5000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास क्या है, इस पहिए का व्यास या फिर त्रिज्या। अब जब कोई पहिया है, ये वर्त के आकार का है, तो इसका एक जो चक्कर होता है, जैसे त्रिभुज और चतुर्भुज में परिमाप होता है, ऐसे ही जो पहिया एक चक्कर लगाएगा तो ये इसकी परिधि हो जाएगी, यानी कि परिधि बराबर एक चक्कर होता है, परिधि बराबर एक चक्कर होता है। तो सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले तो ये देखो कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, या फिर ये कह सकते हो कि जब भी चक्करों की संख्या पूछी जाए, एक सूत्र याद रखो, चक्करों की संख्या पूछी जाए, कितने चक्कर लगा रहा है ये, कितनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगा रहा है, तो कितनी दूरी वो तय करता है, दूरी तय की गई कितनी दूरी वो तय करता है, और अपॉन एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है, ये एक सूत्र से जब भी कोई पहिए के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो केवल एक सूत्र याद रखना, कि चक्करों की संख्या निकालने का एक ही तरीका है कि जितनी दूरी वो तय करता है और अपॉन एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। एक बात तो एक चक्कर में जो दूरी तय करता है वो क्या होती है, हमेशा परिधि। तो ये बताओ चक्कर कितने तय करता है, वो 5000 बराबर दूरी कितनी तय करता है, वो 11 किलोमीटर अपॉन एक चक्कर में, यानी कि इसकी परिधि होगी 2000, ठीक है, एक चक्कर में दूरी तय करता हूं 2000। अब ये आर निकाल लेंगे, बस आर मान गुणा कर दो, आर गुणा आ जाएगा, आर का दुगुना व्यास दुगुना होता है, हमें बताया रखा है। तो ये बताओ कि 2πr को इससे गुणा करोगे, 2πr गुणा 5000 बराबर 11 किलोमीटर। अब एक बात ये देखो कि इस किलोमीटर को जब मीटर बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, और यदि सेंटीमीटर बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ये 5000 कहाँ जाएगा, 2πr का मान, यानी एक चक्कर का जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 20 100 11, यानी कि 220 सेंटीमीटर एक चक्कर में तय करता है, यानी कि एक वृद्धि है, 5000 में जितनी लगा है, एक चक्कर है वो 220 सेंटीमीटर तय करता है। अब यहां से जब 2πr, पाई का मान 22/7, आर निकालनी है बराबर 220 सेंटीमीटर आ गया, आर निकालेंगे 220, 7 ऊपर गया, 2 नीचे आ गया, 22 नीचे आ गया, 22 से 22 कैंसिल, 70/5, यानी कि रेडियस आ गई 33 सेंटीमीटर, और व्यास इसका दुगुना होता है, तो इसका व्यास पूछा है क्या कहेंगे, 70 सेंटीमीटर। चक्करों की संख्या निकालोगे, दूरी तय की गई और एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी 2πr के बराबर होती है, तो इसको एक चक्कर के हिसाब से ले लो, बाद में 2πr लेना पड़ेगा, तो 2πr इधर आ गया, 5000 नीचे आ गया,
ठीक है, तो 11 किलोमीटर को मीटर बनाया, आधा से गुणा कर दिया, छुट्टी इकाई बनाई है, सेंटीमीटर बनाएंगे 100 से गुणा करेंगे, टोटल सेंटीमीटर बना लिया। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है कि चक्करों की संख्या निकालने के लिए जितनी दूरी तय करता है अपॉन एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, ये चक्करों की संख्या है। जैसे मैं कहूं कि एक गाड़ी है, इसके पहिए की त्रिज्या, इसके पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। अच्छा, अब ये कहते हैं 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगते हैं, कितने चक्कर लगते हैं। सीधी सी बात है, चक्कर निकालने हैं, चक्करों की संख्या मैंने अभी बताई थी कि जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी उसने तय की है अपॉन एक चक्र में कितनी दूरी तय, तो नू बताओ कि एक चक्कर में, एक चक्कर में दूरी तय करेगा तो क्या हो गया, ये परिधि, एक परिधि होती है ना 2πr, ये एक चक्कर की दूरी आता है, 2 × π, ठीक है, गुणा r, रेडियस कितनी है 1/4, 25/100 करेंगे ना 1/4, तो ये एक चक्कर में पाई बटा 2 दूरी तय, पाई बटे 2 को 22/7 भी लिख सकते हैं, 22/2 आ गया। ठीक है, या फिर इसको कहो कि 11/7 मीटर, बस अब चक्करों से संख्या क्या है, कितनी दूरी तय करता है वो 11,000, ये मीटर में है त्रिज्या, तो इसको किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1,000 मीटर होते हैं, ये तो दूरी तय करता है अपॉन एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है 11/7 ऊपर चला गया, 11 से 11 कैंसिल, तो 1,000 को 7 से गुणा करेंगे कितने चक्कर आ गए 7। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवर्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो अर्धवर्त मतलब आधा, आधे वर्त का क्षेत्रफल पूछे तो तुम्हें जो क्षेत्रफल है इसको आधा कहते हैं, पाई आर स्क्वायर। एक अर्धवर्त की परिधि और लिख लो, ये थोड़ा अलग से याद रखनी पड़ेगी, पाई आर प्लस 2r, ये अर्धवर्त की परिधि होती है, कई बार अर्धवर्त की परिधि पूछते हैं, तो अर्धवर्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r।